सबसे बड़ी विडम्बना ये हो गई, मैं बता दूं तुम्हें क्या विडम्बना हुई, क्या माहौल कि जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उनको तीन तीन आवाज दे दिए गए। जय साहब, आज जो है आपने ये कैंप लगाया है, किस विषय में लगाया है? जिन लोगों को ऑनलाइन दिक्कत हो रही थी फॉर्म भरने में, तो कैंप लगा के ऑफलाइन फॉर्म भरने में, क्या इसकी लिस्टें बनाई जा रही हैं? हाँ, इसकी लिस्टें बनेंगी, बकायदा ऑनलाइन पूरी हो जाएगी। 3 दिन कैंप लगेगा। अभी कितने फॉर्म जमा हो गए? अभी तो शाम को काउंटिंग होगी। चलिए, और जिनने ये फॉर्म भरे हैं क्या इनका आवास आएगा? वो तो लिस्ट बन के जाएंगे यहाँ से, तो फिर उसके बाद पता चलेगा। सर, आप किस पद पर हैं? हम जेई के पद पर हैं। चलिए सर, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार राजपूत जी। और यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, क्या यहाँ पर फार्म उपलब्ध है? फार्म तो उपलब्ध थे, अब नहीं है, लेकिन मंगवाए गए हैं अभी जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फार्म भरे जा रहे हैं, हाँ, इनके सर्वे के दौरान जिन लोगों के आवास कटे हैं, हाँ, तो उनके फिर से भरे जा रहे हैं? वो तो सर्वे तो बहुत उठपटांग आदमी, उसे तो जेल जाना चाहिए सर्वे वाले को। जितना गलत लोगों को आवंटन हुआ है, सारे उसकी रकम से भरा जाना चाहिए जी, उसकी सैलरी से जी। उस पर जांच हो जी, क्योंकि जिन्हें आवास दिए गए हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं। 90% अपात्रों को दिए गए मेरे हिसाब से, मेरे ही नगर में। अच्छा, तो उसका सर्वे जो हुआ था, इसके बारे में जो है जेई साहब ने बताया नहीं? जेई साहब सर्वे नहीं करते, बताया उन्होंने कि हम सर्वे नहीं करते, वो राजस्व विभाग करता है। और राजस्व कर्मियों ने कहीं ना कहीं कोई खामी तो रही है, या तो आंख मीच के सर्वे किया या घर बैठ के किया, और नहीं किया तो पैसे लेके किया। क्या पात्र लोगों को पात्र नहीं बनाया गया है? पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाया गया है जी, जिसके पुख्ता प्रमाण गाँव में है, देखे जा सकते हैं। आज नगर पंचायत सरीला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, क्या यहां पर फार्म उपलब्ध है? नहीं। तो फिर क्या मतलब यहां पर किस लिए बुलाया गया है आपको? हम को यही बोला था कि यहां पर 3 दिन कैंप लगेगा जी, 25 से 27 तक जी, तो हम उसी बेस में आए, लेकिन अभी तक तो क्या आपका फॉर्म भर गया है? फॉर्म तो भरा है, भरा है फॉर्म।